नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तपन देशमुख है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और यहाँ की राजनीतिक हस्तियों के बारे में। हमारी सूची में प्रथम नाम रानी अवंती बाई का है। वीरांगना रानी अवंती बाई का जन्म 16 अगस्त 1831 में डिंडोरी के एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनकी शादी रामगढ़ स्टेट के युवराज विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुई। 1851 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य उनकी गद्दी पर आसीन हुए, परंतु दुर्भाग्यवश 1855 में एक दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात रानी ने उनके उत्तराधिकारी अमर सिंह और शेर सिंह को गद्दी पर बिठाना चाहा, पर अंग्रेजों ने इसका विरोध किया व कोर्ट ऑफ वार्स की नियुक्ति करते हुए शेख मोहम्मद को रामगढ़ स्टेट का गवर्नर नियुक्त कर दिया। रानी ने इसका प्रतिकार किया और वह स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद पड़ी, परंतु 20 मार्च 1858 को घिर जाने के पश्चात वह एक युद्ध में शहीद हो गई। रानी को सम्मान देने के लिए नर्मदा विकास प्राधिकरण ने जबलपुर स्थित एक बांध को रानी अवंतीबाई लोधी सागर बांध का नाम दिया है। इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट की है और भारतीय डाक विभाग ने भी रानी को सम्मान देने के लिए सन 2001 में उनके नाम का डाक टिकट जारी किया था। रानी अवंतीबाई की तरह मध्य प्रदेश की धरा पर एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ था। भाभरा वर्तमान में अलीराजपुर जिले का हिस्सा है। वह पूर्व में यह झाबुआ जिले का हिस्सा हुआ करता था। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इस शहर का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया है। अगर आपसे यह सवाल आता है कि पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद नगर का पुराना नाम क्या है या फिर भाभरा का नया नाम क्या है, तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने पत्र पत्रिकाओं व पैम्पलेट्स में बलराज नाम का खूब उपयोग किया। वह उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी का नाम का भी बहुत उपयोग किया। चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन डकैती में मुख्य आरोपी थे। वह जॉन सॉन्डर्स मर्डर केस में भी अंग्रेज सरकार इन्हें तलाश रही थी। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर थे, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही एक उन्नत रूप था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 दिसंबर 1931 को अल्फ्रेड पार्क में हुई, जिसे अभी वर्तमान में आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के हाथों मरने के मुकाबले खुद एक बचाई हुई गोली से अपने आप को सर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उनका यह मानना था कि वो जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और वो अंग्रेजों की गोली से नहीं मरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद अपने पास एक आखिरी गोली जो बची थी उससे खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखर आजाद से अंग्रेज इतना ज्यादा डरते थे कि उनके मरने के कई घंटों पश्चात भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास आकर यह मालूमात कर सके या संतुष्टि कर सके कि चंद्रशेखर आजाद जिंदा है या वो मर गए हैं। बहुत देर के बाद एक भारतीय सैनिक ने उनके पास आकर देखा तो वह मृत हो चुके थे। तब जाकर अंग्रेजों की हिम्मत हुई और वह चंद्रशेखर आजाद के पास आए। चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े बहुरूपिये माने जाते थे और वह रूप बदलने में माहिर थे, तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु की पुष्टि करने में भी अंग्रेजों को काफी समय लगा। हमारी सूची में अगला नाम पंडित रविशंकर शुक्ल का है। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 में सागर में हुआ था। वह इन्हें मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है। 1910 में पंडित रविशंकर शुक्ल जी की मुलाकात पंडित मदन मोहन मालवीय से हुई और उसके बाद यह कांग्रेस के सदस्य बने। इन्होंने कई कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की और यह मध्य भारत प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। उस समय मध्य भारत प्रांत में विदर्भ, महाकौशल और बरार का हिस्सा आता था। सन 1946 में यह पुनः मध्य भारत प्रांत के प्रधानमंत्री बने और 1950 में इन्हें पहली बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। असल में इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, प्रधानमंत्री पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया था। इस तरह यह मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने
और इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1956 में 79 साल की उम्र में हो गई। पंडित रविशंकर शुक्ल गांधीवादी नेता थे, वो बहुत से आजादी के आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया। हमारी सूची में अगला नाम कैलाश नाथ काटजू का है। कैलाश नाथ काटजू को भारत का पहला विधि मंत्री होने का सम्मान प्राप्त है। यह गोविंद वल्लभ पंत की कैबिनेट में विधि मंत्री थे। पेशे से वकील थे यह, और इनके द्वारा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में आरोपियों की प्रतिरक्षा की गई थी। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में अंग्रेज सरकार का यह आरोप था कि कुछ मजदूर नेता ट्रेड यूनियंस को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, जिससे ब्रिटानिया सरकार की संप्रभुता को खतरा है, और आईपीसी की धारा 121 ए के तहत इन नेताओं पर कार्रवाई की गई थी। और इस मामले में इन मजदूर नेताओं की प्रतिरक्षा कैलाश नाथ काटजू कर रहे थे। भारत की आजादी के पश्चात सन 1947 में इन्हें उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया, और सन 1948 में यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल 1951 तक चला। वह 1951 के आम चुनाव में यह मंदसौर सीट से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है काटजू साहब के बारे में, जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि यह एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के संस्थापक सदस्य थे, यानी कि यह नेशनल हेराल्ड के संस्थापक सदस्य हुए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर यह आरोप है कि उनके द्वारा काटजू साहब के शेयर्स अपने नाम पर करा लिए गए हैं, और यही नेशनल हेराल्ड का एक मामला है। इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1968 में हुई, और इनके पोते मार्कंडे काटजू सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। काटजू साहब के सम्मान में भारत सरकार द्वारा सर 1987 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, जिससे पता चलता है कि कैलाश नाथ काटजू कितनी महत्वपूर्ण हस्ती थे भारत के नवनिर्माण में और भारत की आजादी के आंदोलन में। हमारी सूची में अगला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था। महू इंदौर के समीप स्थित है, और इसका पूरा नाम मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार है। वर्तमान में शासन द्वारा इस शहर का नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। अंबेडकर साहब को भारत का पहला विधि मंत्री होने का सम्मान प्राप्त है। आजाद भारत का पहला विधि मंत्री, यह संविधान निर्माण समिति के चेयरमैन भी थे। और अंबेडकर जी वह पहले भारतीय हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में पीएचडी हासिल करने का सम्मान प्राप्त है, और यह विदेश में पीएचडी करने वाले भी पहले भारतीय हैं। 1935 में आरबीआई की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 का खुले रूप से विरोध किया था। वर्तमान में जो हम देखते हैं कि कर्मचारियों को 8 घंटे काम करना पड़ता है, यह भी भीमराव अंबेडकर की ही देन है। पूर्व में अंग्रेजों के शासनकाल में प्रतिदिन काम करने की समय सीमा 14 घंटे तय की गई थी। हिंदू कोड बिल को लागू करवाने में भी भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर का सरनेम सतपाल था, परंतु जब उनके पिताजी ने उनका दाखिला स्कूल में कराया तो गांव के नाम पर अंबावेकर रख दिया, उनका सरनेम अंबावेकर लिखा दिया गया, जो बाद में अभ्रंश होकर अंबेडकर हो गया। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई। भारत के 8वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 में भोपाल में हुआ था। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और इनका कार्यकाल 1952 से 1956 तक का था। सन 1956 से यह लगातार 1971 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। सन 1984 में इन्हें आंध्र प्रदेश, 1985 में पंजाब व 1986 में इन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। यह 1987 में भारत देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि जो लोग राज्यसभा में जो स्पीकर होते हैं, वह भारत देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु 26 दिसंबर 1999 को हुई। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा
1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, उस दौरान सिख आतताइयों ने उनके बेटी और दामाद की निर्ममता से हत्या कर दी थी। और इस बात से डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा काफी आहत रहे और बहुत सी जगह उन्होंने अपने लेखों में और अपने अभिभाषणों में इस घटना का उल्लेख भी किया। जो बहुत नजदीकी थे डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा के, वह इस बारे में बताते हैं कि इस घटना का उनके जीवन पे कितना विपरीत प्रभाव हुआ। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा के बाद हमारी सूची में अगला नाम अटल बिहारी वाजपेयी का है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर स्टेट में हुआ था। यह राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन नाम के समाचार पत्रों से संबंधित है। इनका प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल मात्र 13 दिन का था और यह ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया, अर्थात जिन्होंने पूरे 5 वर्षों तक अपना कार्यकाल ठीक तरह से संचालित किया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कुछ अच्छे और कुछ बुरे वाक्य घटे जिन्होंने भारत देश के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी, या जिन्हें भारत के इतिहास के पन्नों से कभी मिटाया नहीं जा सकता। पोखरण द्वितीय, लाहौर समिट, कारगिल युद्ध, भारत की पार्लियामेंट पे हमला और गुजरात दंगे, यह सभी घटनाएं अटल जी के कार्यकाल में हुई। वर्तमान सरकार द्वारा अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल जी को 1992 में पद्म विभूषण व 2015 में भारत रत्न का खिताब दिया गया। अटल जी की मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुई। अटल जी सभी दलों के चहेते प्रधानमंत्री रहे, या कहें कि सभी दल अटल जी को नेता के रूप में बहुत पसंद करते थे और वह उनकी उनके वाक चातुर्य व वा वाक पटुता की सराहना हर कोई खुले कंठ से करता था। अटल जी एक ऐसा नाम है जिन्हें, या हम कहें अटल जी का नाम भारतीय राजनीतिक पन्नों में अमर हो गया है, और अगर भाजपा की बात की जाए तो बिना अटल जी के वो बात अधूरी है। विजया राजे सिंधिया का मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही स्थान है। इनके द्वारा मध्य प्रदेश में जनसंघ, या कहें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में बहुत अधिक योगदान दिया गया। यह वह नींव का पत्थर है जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में खड़ी है। लेखा दिव्येश्वरी देवी का जन्म 12 अक्टूबर 1919 में सागर में हुआ था। 1919 में भारत में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जो भारत के इतिहास का एक काला दिन है। आपको याद होगा कि उस सन 1919 में ही जलियांवाला बाग कांड भारत देश में हुआ था। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं विजया राजे सिंधिया के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि 1941 फरवरी के महीने में इनकी शादी जीवाजीराव सिंधिया से हुई जो ग्वालियर स्टेट के उत्तराधिकारी थे, और मराठी रीति रिवाजों के हिसाब से वधू की सास द्वारा शादी के दौरान वधू का नाम बदल दिया जाता है। तो इसी प्रकार लेखा दिव्येश्वरी देवी का नाम बदलकर विजया राजे रख दिया गया। यह सन 1957 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पे गुना से सांसद निर्वाचित हुई। वह 1967 में इन्होंने भारतीय जनसंघ को ज्वाइन कर लिया। इनकी आत्मकथा का नाम द लास्ट महारानी ऑफ ग्वालियर है। वह मृदुला सिन्हा द्वारा लिखी गई किताब एक थी रानी ऐसी भी एक बेस्ट सेलर किताब है। विजया राजे सिंधिया के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 2001 में इनका एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। विजया राजे सिंधिया की मृत्यु 25 जनवरी 2001 को हुई। ग्वालियर की राजमाता के बाद हमारी सूची में अगला नाम जमींदार अर्जुन सिंह का है। अर्जुन सिंह का जन्म 5 नवंबर 1930 में चुरहट के एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। भोपाल गैस त्रासदी कांड के बाद वो काफी सुर्खियों में रहे, या कहें विवादों में रहे। भारत से वॉरेन एंडरसन को भगाने में ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है, और वॉरेन बफेट द्वारा उन्हें एक बहुत बड़ी राशि का डोनेशन भी दिया गया था। यह चुरहट लॉटरी स्कैम में आरोपी रहे और ओबीसी के आरक्षण को लेकर, या कहें डीम यूनिवर्सिटी वाले मामलों को लेकर, या एक एंटी डावरी मामला जो यूपी में इनके खिलाफ दर्ज था,
इनको लेकर यह हमेशा सुर्खियों में रहे। इनकी जीवन कथा या ऑटोबायोग्राफी का नाम अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड आर ग्लास ऑफ टाइम है। यह इनकी मृत्यु 4 मार्च 2011 को हुई। वह इनके बेटे अजय सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा में काफी लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे और इनके पोते अरुणोदय सिंह भारतीय सिनेमा जगत के एक अभिनयकर्ता हैं। राजनेताओं की सूची में हमने आखिर में सुमित्रा महाजन का नाम शामिल किया है। यह इंदौर में ताई के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सुमित्रा महाजन का जन्म चिपलुन रत्नागिरी जिले में महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी जन्म तारीख 12 अप्रैल 1943 है। यह 8 बार लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। वह 16वीं लोकसभा में यह लोकसभा की स्पीकर थी। 2021 25 जनवरी को इन्हें पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। और इनका नाम हमने सूची में इसलिए शामिल किया क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश के राजनेताओं की बात करें तो सुमित्रा महाजन के बिना यह सूची अधूरी रह जाती। यह बात अलग है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। मैं यह आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी पसंद आई होगी। मेरे द्वारा यह सोचा गया था कि इसी वीडियो में मध्य प्रदेश की खेल हस्तियों को भी शामिल कर लिया जाए, पर इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए खेल हस्तियों के विषय में मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करके जल्द ही साझा करूंगा। धन्यवाद।